अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एसएम पावर पॉइंट और मैं हूं सोनिया सदाकत। बुरे वाला की नवाही आबादी मुजाहिद कॉलोनी में करियाना स्टोर मुसल्ला डकैती की वारदात। चार मुसल्ला डकैतों दुकानदार और गाहकों को गैर का माल बनाकर हजारों रुपए नकदी और कीमती सामान लूटकर फरार। इलाका में गिनों के शोर में जाने मसल्ला अफराद की शदीद फायरिंग से खौफ और रास फैल गया। अलैकुम जी, मेरा नाम जी मोहम्मद सदीक है जी। मैं इतने सूफी किराना स्टोर दुकान अपनी मजाद कलोनी तो शाम को 8 बजे कोई 3-4 बंदे आए जी। उन्होंने थप्पड़ थप्पड़ मारे, कोई पैसे पूसे लै गए 12,000 तो कोई समान समून पाया उन्होंने तोड़े बच्चे तो मार मुर के खैर करके निकल गए जी। खैर कर तो यह है भी उन्होंने कोई कार्रवाई की जाए तो बहुत सारे वाकई इदा के हो रहे हैं जी जगह जगह पर ते कोई नज़रसानी की जाए। शुक्रिया। और कोई साथी भी इतने बुरे वाला शहर दे विच ना? आप फौजी साहब दा ले लो एक मिनट जी। जी सर अस्सलाम वालेकुम। तकरीबन शाम के टाइम 8 बजे सारी दुनिया जाग रही थी। 3 जने मोटरसाइकिल से 2 अंदर बड़े उन्होंने कोई पिस्टल से बाटली मारी ने गरीब आदमी ने 14,000 रुपया तो बाकी समान सुन उन्होंने लिया तो सामने दर्जी से उन्होंने मैंने पिस्टल किए ने। फिर इतों गए तो अगे उमर तो सारे खड़े से डॉक्टर नंदीम वगैरह वो तो सीधे फायर मारे ने मसा बचे ने अगर मैं गेट चो निकलिया तो मैंने कहा पिछले पिछले हट जाओ सीधे फायर में 3-4 उत्थे किए मेरे बू अगे तो अगे राव सलाम के घर तक जाकर मैगजीन खाली हुई ने तो दिन दिन भी बंदे महफूज नहीं है। तो यह मजाद कलोनी का कोई हाल नहीं, ना ये कोई पुलिस आती है तो ना ही कोई कोई पारा ना कुछ ना कुछ तो दिन दिन लुट के लैके जा रहे हैं। इन्होंने गरीबों की कोई राजसी की जाए। हाँ जी हाँ जी, मैं भी ऐसे वारदात मौके पर मौजूद सी। उन्होंने मैनू जिदा ही खबर हुई है एक बच्चे ने मैनू दसिया कि वह अंदर चोर है तो वह वारदात कर रहे हैं तो मैं मैनू नहीं सी पता कि चोर है। लेकिन जो मैं दुकानदार को आवाज़ दी है तो वह कुछ भी नहीं बोलिया है तो उन्होंने मेरे वालू यानी कि गन सीधी कर दी है कि चुप करके खलोता रही तो बोली ना तो मैं भी उत्थे खलोता रहा है इस वजह तो। मेरी दुकान हैगी सामने बिल्कुल दुकान के बिल्कुल सामने दर्जियों की दुकान है मेरी तो बस इवें वारदात चल रही है जी। कुछ मेहरबानी करो जी इस इलाके से आम बंदा गरीब रोजी भी नहीं कमा सकता इस डर की वजह तो क्योंकि उन्होंने तो कुछ नहीं जाना लेकिन साढ़े रोजी का मसला है वा। मजीद खबरों और तजियों के लिए देखते रहिए एसएम पावर पॉइंट।